अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव जय महाकाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह उठते ही कौन से वो चमत्कारी शब्द हैं जो आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप कुछ शास्त्रीय उपाय भी कर सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए आप कुछ शास्त्रीय प्रयोग करेंगे दोस्तों तो आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से वास होगा। दोस्तों वैसे भी हम अपनी वीडियोस में आपको हमेशा ऐसे उपाय बताते हैं जिसमें ना तो कोई लंबी चौड़ी विधि होती है, ना ही आपका ज्यादा समय लगेगा और ना ही आपको कोई विशेष सामग्री की जरूरत है। हम आपको सिर्फ आसान से कुछ उपाय बताते हैं। तो अगर इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है वो आसान से उपाय। दोस्तों बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले और सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग आप कर लीजिए। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे दें या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, आप जरूर करके देखिए, आजमा कर देखिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर आपके सीनियर हो गए हैं, आप वहीं पर पड़े हैं, क्या करेंगे? आप रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति या आप अपने ऑफिस में किसी को भी वो दे सकते हैं, आप उन्हें खिलाइए। दोस्तों आपका रुका हुआ प्रमोशन आपको मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें, अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 रख लें, फिर बोलिए ओम श्रीम श्रिय नमः, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, ये मंत्र बोलिए। उसके बाद आपको 1 इलायची खानी है और बाकी दोनों आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए, बाद में दिन भर में कभी भी आप उस इलायची को खाइए। दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान कर रही है तब ये एक छोटा सा काम आप करें, माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन तब आप उन्हें लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों ही अर्पित कर दें। इसके बाद उसे बांधकर आप अपने घर में धन के स्थान पर रख दें, धन की कमी कभी भी नहीं होगी क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं, या फिर अगर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है तो 1 इलायची का दाना उसमें डाल दें या फिर उसका सेवन करें तो आपका दिन बन जाता है। अगर किसी के जीवन में धन आवक में बार बार बाधाएं आ रही है तो एक बार ये उपाय जरूर करके देखिए, कुछ ही दिनों में धन आवक के सारे दरवाजे आपके खुल जाएंगे। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी पैसों से संबंधित कोई भी समस्या ना हो और उसके पास भरपूर धन हो, इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हर प्रयास असफल हो जाते हैं, ऐसी परेशानी में ये उपाय आजमा कर देखिए, आपके अनुरूप सारे कार्य होने लगेंगे। धन आवक में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए आप एक बार इस विधि विधान से धन के देवता कुबेर भगवान की पूजा करके देखिए। दोस्तों धर्म शास्त्रों में धन के देवता भगवान श्री कुबेर जी बताए गए हैं जो सभी देवताओं के कोष अध्यक्ष भी हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम कुबेर देव के इस मंत्र का 108 बार जप लगातार 27 दिनों तक घी का दीपक जलाकर करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मंत्र के जप के बाद श्री कुबेर चालीसा का पाठ अगर आप कर ले तो उत्तम है, जरूरी नहीं है। सुबह शाम अगर आपके पास समय है तो कुबेर चालीसा का पाठ जरूर करें, लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो केवल मंत्र जप कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद समस्त समस्याएं धन आवक की बाधाएं दूर होने लगेगी और अचानक धन आवक में आपकी वृद्धि होने लगेगी। 27 दिन तक इस कुबेर मंत्र का जप आप सुबह और शाम को घी का दीपक जलाकर कामना पूर्ति के भाव से 108 बार मोती या फिर लाल चंदन की माला से करें। कुबेर मंत्र ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। 27 दिनों तक इस मंत्र का आपको जप करना है, सुबह और शाम को दोनों समय श्री कुबेर भगवान की स्तुति श्री कुबेर चालीसा का पाठ अगर आप चाहें तो इसके बाद करें। इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में धन आवक में अचानक वृद्धि होने लगेगी। धन और वैभव प्राप्त करने के लिए घर के मंदिर या किसी अन्य क्षेत्र में लक्ष्मी जी का चित्र हमेशा ऐसा हो कि वो कमल पर बैठी हो, ऐसी तस्वीर घर में शुभ मानी जाती है जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं दुकान में आप हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी जी के
चित्र का ही पूजन करें। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है और धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और इस कोण में उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। वहीं पूजा के स्थान पर हमेशा गंगा जल रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। प्रतिदिन सुबह उठकर सर्वप्रथम अपने घर की साफ सफाई करें, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा घर में पूजा करें और पूरे घर में सुगंधित धूप जला दें। उसके बाद अपने घर की दहली का पूजन करें, दहली के दोनों ओर सतिया बनाएं और उसके ऊपर चावल की डेरी बनाएं। पूजा में प्रयोग किए जाने वाली सुपारी लेकर उस पर मोली कलावा बांध दें। उन सुपारियों को एक एक चावल की डेरी के ऊपर आपको रखना है। इस उपाय को करते समय मन में पूर्ण विश्वास करें कि माँ लक्ष्मी आपके घर अवश्य पधारे। दोस्तों, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में एक अलग सी घुटन होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपको बस जरूरत है सुबह के समय में ये शब्द बोलने की, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस ये दो शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे, उसके लिए बस आपको ये शब्द बोलने हैं। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ और माँ गौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो अपने जीवन में आप चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी है, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको स्नान तक भी करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में, भगवान से जुड़े हुए हर काम में आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं और इसके बाद ही आप उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां ये उपाय करती है, घर में कोई नई नवेली दुल्हन है, वो सुबह के समय ये शब्द बोलती है, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी और आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। घर में अकाल मृत्यु का भय भी दोस्तों इससे खत्म हो जाता है। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। या अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई उपाय चाहता है तो वो इस इच्छा पूर्ति शब्द का जब सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी, भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको करना बस ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर ये शब्द बोलने हैं जो कुछ इस तरह से हैं, ओम होम जूम सह। ये लहू महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इसके अलावा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और चाहे तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हाथ के अग्नि भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा मूल में गोविंद का वास है और वो हमारे सारे कार्य बनाते हैं। इसी तरह से हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।